फंक्शन ग्रुप, ठीक है, इन विच वी डिस्कस अबाउट द अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल्स में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अल्कोहल्स में किसी को कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फिर हम एल्डिहाइड, एल्कोहल्स, अच्छा एल्कोहल्स में भी यू कैन चेक, जैसे CH3OH है ना, C2H5OH, C3H7OH, तो यू कैन चेक कि जो तीनों है होमोलोगस सीरीज को कर रहे हैं, बिकॉज दे आर हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज and structure and they differ, successive group is differ by the CH2 group or the 14-DM. You can see here also. You see the देखो इनका सबका डिफरेंस निकाल के देख लो, वही सेम बनेगा, 50 में से 46 माइनस करो, नहीं कुछ कहां पे क्या किया है, ठीक है, देन 46 में से 32, ठीक है, 14-DM, मतलब when we will do and when we will see the successive group is differ by the 14-AMU or the CH2 group or CH2 group, ठीक है। Next है हमारा aldehyde, function group next is the aldehyde. इसका L word use होता है, that is used as a suffix. ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय द CHO ग्रुप, इट इज डिनोटेड बाय CHO ग्रुप, हम ऐसे भी लिख सकते हैं CHO ग्रुप को, वी कैन आल्सो राइट लाइक दिस, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे अब इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है CnH2nO, ठीक है, अगर मैंने इसका पहले वाला फॉर्मेलिटी मतलब एल्डिहाइड का फर्स्ट बनाना है तो मेरे पास ऐसे बनेगा, ये देखो समझ आया, चार घर कंप्लीट करने थे कार्बन के, ये दिस कार्बन कंसिडर्ड एज अ मतलब कार्बन अपना नेमिंग पे भी काउंट होगा एंड एज अ फंक्शनल ग्रुप भी काउंट होगा, ठीक है, CHO ग्रुप एक रह गया था, एच लग गया, अगर मैं इसको ऐसे लिखू, ठीक है, तो इसका जो नाम होता है वो हमारे पास होता है, जैसे कोई चीज को हम फॉर्म करते हैं ना, तो दिस इज फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका जो IUPAC नेम है वो है मिथेन सिंगल कार्बन, दैट इज मिथ ए बॉन्ड सिंबल ए अल, मिथेनल, दिस इज इट्स IUPAC name. अगर मुझे इसका दूसरा बनाना है, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका IUPAC name क्या होगा, ये मिथाइल हो गया, CH3 मिथाइल ग्रुप लग गया ना इसके साथ, तो इसका नेम क्या होगा, एनीवन समझ आ रहा है बेटा, दो कार्बन, ठीक है, दैट इज इट, ठीक है, दिस बॉन्ड इज नॉट कंसिडर्ड एज द कार्बन, सिंगल बॉन्ड इज हियर, दैट इज इथेन, ई नहीं आएगा, अल आएगा, इथेनल, दिस इज इट्स IUPAC नेम,
और जिसका कॉमन नेम होता है ना, देखो जब हमने कोई भी चीज शुरू करनी हो तो पहले हम उसकी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जब हमारी वो बन जाती है, जैसे कोई फैक्ट्री है तो हमने फॉर्म करी, उसके बाद दैट एक्ट एज अ एसिड, तो सेकेंड नेम इज कॉल्ड एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, दिस इज इट्स कॉमन नेम। इसके बाद सारे सेम चलते हैं, थर्ड नंबर पे आएगा तो प्रोपेनल्डिहाइड, वो सेम वैसे ही चलेंगे, सिर्फ पहले वाले में और दूसरे वाले में चेंज आता है, पहला इज फॉर्मिंग, सेकेंड एसिड हो गए, फॉर्म एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटैल्डिहाइड। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वी विल कम टू द थर्ड पॉइंट, तो वो प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट वन इज कीटोन, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप इज कीटोन। नेक्स्ट इज कीटोन। अब जो कीटोन ग्रुप है ये स्टार्ट ही नंबर थ्री से होता है, व्हाई इट स्टार्टेड फ्रॉम द थर्ड पॉइंट, नाउ एन जो है दैट इज थ्री, थ्री कार्बन इज रिक्वायर्ड, क्यों थ्री कार्बन, क्योंकि कीटोन को हम शो करते हैं लाइक दिस, राइट, बट इसके दोनों साइड में कार्बन होने चाहिए, ठीक है। कीटोन इज शोन लाइक दिस, दोनों साइड पे कार्बन होना चाहिए, सेंटर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, अगर ये सेंटर पोजीशन और ओन लगता है, द वर्ड वी विल यूज ओन, ठीक है, वन नहीं बोलते, वी विल से ओन, हम इसको ओन बोलते हैं, ठीक है, वी विल नॉट से वन। अब इसका अगर नेमिंग क्या है, ये देखो सी इसमें अब मैंने अगर इसको कंडेंस फॉर्मूला लिखा CH3 डबल बॉन्ड ऑफ CH3, ठीक है, बट इज इट्स नेम, इसका नेम क्या होगा, तीन कार्बन है ना, 1 2 3 प्रॉप, क्योंकि IUPAC नेम में यू हैव टू काउंट डाउन द नेम नंबर ऑफ कार्बन आएगा, प्रॉप, प्रोपेन ई नहीं आएगा, ओन, प्रोपेनोन, इट इज कॉल्ड प्रोपेनोन, इट इज कॉल्ड प्रोपेनोन, दिस इज द सिंपलेस्ट कीटोन, और इसका आईयूपीएसी नेम होता है एसीटोन, इट्स कॉमन नेम होता है एसीटोन, आईयूपीएसी नेम इज प्रोपेनोन। अगर मैं इसका अगला बनाऊं, ठीक है, अब मैं इसको अगर कंडेंस फॉर्मूला में लिखती हूँ, CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, कोई बताएगा, व्हाट इज इट्स IUPAC नेम एंड कॉमन नेम, जस्ट ट्राई, गलत होगा कोई इशू नहीं, what is it, हाँ जी अमृत, unmute yourself, butanone, butanone, जब चार कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ए, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, एंड what is its common name, common name क्या, कितने यहाँ पे हैं, ये क्या है और ये क्या है, what is this, C2H5 या CH3, CH2 का मतलब क्या है, C2H5 that is ethyl, CH3 group क्या है, that is methyl, गुरसिमर इसका क्या होगा नाम, अर्शदीप unmute yourself, अर्शदीप बोलो, इसका नेम होगा, अब यहाँ मिथाइल है, ये मिथाइल है,
एंड व्हाट का हां जी अमृत अनम्यूट योरसेल्फ मैम अर्श रिमूव कर दो फेक आईडी है अर्श वाली यस दोनों ही चलो इसका नाम क्या होगा नाउ दिस साइड दिस इज द मिथाइल ग्रुप हियर इट इज द मिथाइल ग्रुप मिथाइल एम और ई में से ई पहले आता है सो वी विल राइट डाउन मिथाइल मिथाइल कीटोन वी विल कॉल इट इथाइल मिथाइल कीटोन पहले इथाइल को नाम दे दिया बिकॉज इथाइल कम्स फर्स्ट ई कम्स फर्स्ट देन मिथाइल देन कीटोन इथाइल मिथाइल Clear? Then the last one, that is the carboxylic acid. Last one है carboxylic acid. ठीक है इसको हम यूज करते हैं ओइक ओइक वर्ड लगाते हैं हाँ जी ऋषित अनम्यूट योर सेल्फ ऋषित मैम ये इथाइल मिथाइल कीटोन कॉमन नेम है कॉमन नेम ही बोला बेटे आईयूपीएसी तो ब्यूटेनॉन बोला था ना अभी अमृत ने ब्यूटेनॉन और इथाइल मिथाइल कीटोन इज अ कॉमन नेम ओके मैम कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज द ओइक वर्ड यूज होगा ठीक है सी ओ ओ एच हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सी ओ ओ एच और सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ठीक है ठीक है अब इसको हम लिखेंगे कैसे इसका भी तो मतलब फार्मूला बनेगा हमारे पास ठीक है उसको हम कैसे हाउ वी विल रिप्रेजेंट राइट डाउन अब मेरे पास ये कार्बन है ओ ओ एच इधर हो गया एच सी ओ ओ एच ठीक है इसका नाम क्या हो गया सिंगल कार्बन दैट इज मिथ बॉन्ड सिंगल ए COOH क्या करता है कोई मिथेनोइक एसिड ठीक है अगेन फॉर्म करता है ये फर्स्ट वर्ड फॉर्म इक एसिड फॉर्मिक एसिड ठीक है दो कार्बन है This is called दो कार्बन है तो हो गया इस सिंगल बॉन्ड में इथेनोइक एसिड एंड इट्स अदर नेम इज एसिटिक पहला वाला फॉर्म है सेकेंड इज एसिड तो पहले को हम फॉर्म यूज करते हैं सेकेंड एसिड एसिटिक एसिड यहां तक किसी को कोई डाउट ठीक है This is what all about the functional group. पहले हमने करा था OH group, ठीक है? फिर हमने करा alcohol, alcohol के बाद aldehyde, CHO, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है? फिर हमने करा ketone, ठीक है जी? फिर आपने करा ये चार करा एल्कोहल ओल ठीक है दिस इज अल ठीक है जी देन दिस इज ओन एंड दिस इज ओइक दिस इज ओइक ये वाले ग्रुप यहां पे डिफरेंस सिर्फ यहां पे सी एच ओ एस है और ये सेंटर में COO इसमें और इसमें ये फर्क है यहाँ H अकेला है here it is OH ठीक है any doubts these are the functional groups